अब लूका 18 का 19 से 18 का 9 से 14। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे हाँ कि हम धर्मी हैं, उनको उनको जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, हाँ जी, ये दृष्टांत कहा। हाँ, दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। सुने, दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था। एक कौन था? फरीसी। कौन फरीसी? उन्हीं के बारे में लिखा है जो उधर लिखा है कि जिनकी धार्मिकता से बढ़कर आपकी क्या होनी चाहिए, धार्मिकता होनी चाहिए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। दूसरा चुंगी लेने वाला था, टैक्स कलेक्टर था, जो कैसर के लिए टैक्स कलेक्ट किया करता था। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, हाँ, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। क्या लिखा है? दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला। आगे, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं। ध्यान दीजिए, अन्यायी नहीं है ये, कि है अन्यायी। परमेश्वर के सामने उसको हियाव है ये बात बोलने का कि मैं अन्यायी नहीं हूं। परमेश्वर के सामने उसको हियाव है ये बोलने का कि मैं व्यभिचारी नहीं हूं। समझे? आप बोलते दिखावटी जीवन है, इनसे बढ़कर हमने चलना है। ये अन्यायी नहीं है, ये व्यभिचारी नहीं है, इनसे बढ़कर चलना हमने। सेकंड माइल हमने चलना है, दूसरा माइल दूसरा कोस। बोलो, घुसने नहीं वाले आप यदि दूसरा माइल नहीं है, दूसरा कोस यदि आप चलते नहीं। यही लिखा है उधर, है? यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। यू विल नेवर एंटर इन टू द किंगडम ऑफ गॉड, नेवर एवर, कभी भी। अगर आपकी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों से बढ़कर नहीं है, ठीक है, और इधर लिखा है ये बोलता है कि मैं दूसरे के समान नंबर एक अंधेर करने वाला नहीं हूं, नंबर दो अन्यायी मैं नहीं हूं, नंबर तीन व्यभिचारी मैं नहीं हूं, फिर और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। हाँ, मैं सप्ताह में दो बार उपवास रखता हूं। देखिए, सप्ताह में दो बार हमारे कितने होने चाहिए? बोलो, कितने होने चाहिए? बढ़कर होगा धार्मिकता तभी ना जाएंगे। कितने होने चाहिए? हम आते हैं हफ्ते में एक बार, संडे को, रविवार को। बोलो, कैसे जाएंगे? अभी एक बॉक्सिंग चैंपियन देखी आपने? एक क्रिश्चियन बहन है, नाम उसका शायद पता नहीं क्या है, पता है किसी को? पता, इतना पता है ना, एक मसीही बहन है, बॉक्सिंग करती है, तोमर है नाम उस, हाँ, उसने गोल्ड मेडल जीता है। क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। अभ्यास होगा उसके जीवन में कि नहीं होगा? प्रैक्टिस होगी उसके जीवन में? ये तबला बजाता है, ये बच्चा छोटा, 12 साल का है, 11 साल का लड़का है, छोटा। ये रोज एक घंटा तबले की प्रैक्टिस करता है, अपने पापा से सीखता है। प्रैक्टिस है, बोलिए। जब तक अभ्यास नहीं होगा कैसे आएगा गोल्ड मेडल? क्रिकेटर्स हैं, क्रिकेट मैच, कल मैं भाई को पूछ रहा था आप क्या देख रहे हैं मोबाइल पे, कहता मैच देख रहा हूँ। क्रिकेट खेलने वाले जो हैं, क्या वर्ल्ड कप ऐसे ही आ जाता है? प्रैक्टिस होती है कि नहीं होती? बोलो, अभ्यास होता है कि नहीं होता? डेली प्रैक्टिस करते होंगे कि हफ्ते में एक बार प्रैक्टिस करते हों? हैं, डेली प्रैक्टिस करते हैं हम। हफ्ते में एक बार चर्च आके कैसे कह सकते कि हम परमेश्वर के राज्य में घुस पाएंगे? हफ्ते में एक बार संगति करके हम परमेश्वर के राज्य में घुस जाएंगे, कैसे संभव होगा? बोलो, ये दो दिन हफ्ते में, सप्ताह में दो दिन उपवास रखता है, जिसको हम तुच्छ नजर से देखते हैं, ये नहीं जाएगा, मैं जाऊंगा।
जो ना संगति को महत्ता देता है, ना उपवास प्रार्थना करता है, ना खुद ही प्रार्थना करता है, ना बाइबल पढ़ता है, ये स्वर्ग के राज्य में चला जाएगा। लेकिन ये जो दो हफ्ते में दो उपवास रखता है, ये नहीं जाएगा। ये हमारी सोच है। बोलो चलना दूसरा किलोमीटर। कितना उपवास होना चाहिए? इनसे बढ़कर यदि होना है तो कितना होना चाहिए? हफ्ते में 4 उपवास होना। फिर आगे, मैं हफ्ते में क्या करता हूं? 2 उपवास करता हूं। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूं। बोलो ये क्या देता है? हमने कितना देना? हमने 10 देना कि कितना देना? बोलो 20 बोलोगे तो भी फंसोगे। अपना 100% देना हमने यहोवा को। ये क्या भी देते हैं? ये दशमांश भी देता है अपनी कमाई में से। और ये स्वर्ग नहीं जाएगा, मैं जो नहीं देता हूं मैं जाऊंगा। कैसी होनी चाहिए धार्मिकता? बोलिए, दुगनी होनी चाहिए, दुगना होना चाहिए। हफ्ते में 2 उपवास और टाइथ देता है। और परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, हाँ जी, मुझ पापी पर दया कर। हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। हाँ, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा। देखो अब बात क्या है, ये बंदा सब कुछ चलता है, सब कुछ करता है, लेकिन दूसरे को तुच्छ जानता। इसकी खामी एक ही है, इसमें घमंड है। हैं जी, इसमें क्या है? क्या है बोलिए? अच्छा चलता है, बढ़िया चलता है। घमंड ना हो तो शायद खुदावंद इससे खुश हो। समझे कि नहीं समझे? ध्यान देने वाली बात क्या है, ये 5 बार मैं शब्द बोलता है। हैं जी, इंग्लिश में द फैरिसी स्टूड एंड प्रेड दस विद हिमसेल्फ, गॉड आई थैंक यू दैट आई एम नॉट लाइक अदर मैन, एक्सट्रॉशनर, अनजस्ट, अडल्ट्रस और इवन एज दिस टैक्स कलेक्टर। आई फास्ट ट्वाइस अ वीक, आई गिव टाइट्स ऑफ दैट ऑल आई पोजेस। 5 बार आई 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 आया, 5 बार मैं आई है इसके अंदर। एक और है जो इसी प्रकार से बोलता है, यशाया 14 अध्याय उसका 12 वचन से। उधर 5 बार हमने आई आई शब्द पढ़ा। लिखा है, हाउ यू आर फॉलन फ्रॉम हेवन ओ लूसीफर सन ऑफ द मॉर्निंग, हाउ यू आर कट डाउन टू द ग्राउंड, यू हु वीकन द नेशंस, फॉर यू हैव सेड इन योर हार्ट। तूने अपने हृदय में ये कहा, यू हैव सेड इन योर हार्ट, आई विल असेंड इन टू हेवन। नंबर 2, आई विल एक्सॉल्ट माई थ्रोन अबव द स्टार्स ऑफ गॉड। नंबर 3, आई विल ऑल्सो सिट ऑन द माउंटेन ऑफ द कॉन्ग्रीगेशन। नंबर 4, आई विल असेंड अबव द हाइएस्ट ऑफ द क्लाउड। नंबर 5, आई विल बी लाइक द मोस्ट हाई। इधर भी 5 बार आई 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 शब्द आया है। मैं ये करता हूँ, मैं ये करूँगा, मैं वैसा करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, मैं ये करता हूँ। है जी, उधर भी क्या है? 5 बार मैं शब्द आया। समझे कि नहीं समझे? एक ही खामी है, एक ही गलती है कि इसको घमंड है कि जो ये करता, जो करता है वो बुरा नहीं है, वो परमेश्वर की शरा के अनुसार है, व्यवस्था के अनुसार है, लेकिन इसको घमंड है और ये दूसरे को तुच्छ जानता है। अब यदि ये शास्त्री फरीसी जो है, ये अपनी धार्मिकता की तुलना उस टैक्स कलेक्टर से ना करके
यदि ये अपनी तुलना मसीह यीशु के साथ करे तो कहाँ स्टैंड करेगा ये? बोलो किधर है इसका स्टैंड? फिर इसका फिर कोई स्टैंड नहीं, क्योंकि वो सिद्ध है, वो परफेक्ट है, उसके साथ उसके खड़ा होने वाला उसके जैसा कोई भी नहीं है। आपने मुझसे बेहतर या मेरे जैसे नहीं बनना, किसके जैसा बनना? खुदावंद यीशु मसीह जैसे। हम सब ने खुदावंद यीशु मसीह के जैसा बनना। फिर आगे यही यही पूरा पढ़े वचन, क्योंकि उसको वैसे ही देखेंगे हाँ जैसा वह है हाँ, और जो कोई उस पर ये आशा रखता है कि उसको देखेंगे, वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। जैसा वह पवित्र है, कैसा? बोलिए, जैसा डेविस है, जैसा मसीह यीशु है। जब भी अपने जीवन को जांचो तो साथ में यीशु मसीह के जीवन को रखकर जांचिएगा, क्या मैं वैसा हूं? क्योंकि इस शास्त्री और फरीसी जो है, इसने अपने से कमजोर व्यक्ति को पकड़ा है तुलना करने के लिए। तगड़े को पकड़ो, किसको पकड़ो? बोलो, किससे करनी तुलना? हैं, वो जो चर्च में सबसे ज्यादा वीक है, सबसे ज्यादा कमजोर है, उसके साथ हम तुलना करते भी, उससे तो मैं बेहतर ही हूं। हाँ, आप नहीं जाएंगे उधर, साथ में यीशु को खड़ा कीजिएगा और उसके साथ देखिएगा अपने जीवन को मिलाकर, क्या मैं यीशु के जैसा दिखता हूँ, क्या मैं यीशु के जैसा चलता हूँ। हालेलुया।